आज हम लोग जमुई जिले के नवाडीह गांव में हैं और ड्रोन से धान में यूरिया और नाइट्रोजन का स्प्रे हो रहा है। साथ में कृषक और साथी सब उत्साहित है। यहाँ पे करीब 30 एकड़ में धान में हम लोग नैनो यूरिया DAP का स्प्रे करने जा रहे हैं। साथ में हमारे टेक्नोग्रॉन की टीम भी है जो ड्रोन चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सभी लोग कितने उत्सुक हैं इस नया टेक्निक के लिए। हमारे साथ यहाँ के प्रगतिशील किसान और इस क्षेत्र के लिए काफी जनता के प्रति संवेदनशील रहने वाले नेता जो जदयू के पहले जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। और अभी सर कौन सा रोल है आपका? प्रदेश में महासचिव हैं श्रीमान शंभू शरण सिंह जी हैं और इनके खेत में अभी ड्रोन का स्प्रे हो रहा है, आप देख सकते हैं। सर क्या आपको लग रहा है इस ड्रोन के बारे में? आप कुछ अगर कहना चाहें, किसानों को संवाद देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, आज के जो किसान हैं, पुराने जमाने के जो किसान थे जी, उससे अब अलग किस्म की बात हो गई जी। अब पहले वाला बात रहा नहीं जी। ना तो पहला मौसम है जी, ना तो पहला जो स्ट्रेंथ होता था किसान के अंदर जी जी, वो चीज है आने जो पहले बहुत समय था लोगों के पास जी, वो है। और हम लोग जो है सो समय भी कर रहे हैं, लग जा रहा है, खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं जी जी। तो आज के समय में पैसा भी ज्यादा लग रहा है हम लोगों का, समय भी लग रहा है, मजदूर भी लग रहा है, बहुत सारी बात, मजदूर की समस्या भी होगी काफी है। ये मजदूर का इतना समस्या है कि आप एक को बुलाने जाइए तो वो कहीं मिलने वाला है नहीं। आजकल तो ये सिचुएशन बना हुआ है जी जी। तो इस परिस्थिति में ये जो टेक्नोलॉजी है कृषि विभाग का या मतलब कह लीजिए सरकार का जो नई टेक्नोलॉजी है वैज्ञानिकों ने जो दिया है हम लोगों को जी जी, तो उसका इस्तेमाल करके हम अपने गांव के किसानों को, और जब मैं कहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए तो हम लोग का जो सोशल मीडिया है जी जी, हम लोग उस पर डाल करके किसानों से आग्रह करेंगे जी जी, कि जमीन को अगर बचाना है जी, अगली पीढ़ी तक इस जमीन से अगली पीढ़ी तक अगर इस जमीन से खाद और उसका सेवा बाल बच्चे का देखना है, उसका भी पेट भरे जी जी, तो निश्चित रूप से अपनी पद्धति को बदलना चाहिए। और जो नैनो यूरिया जी, नैनो DAP जी, या इस ढंग का जो सब बात नई टेक्नोलॉजी आ रही है देश में जी जी, हम लोग को उसका अनुसरण करना चाहिए जी जी। और हम लोग देखिए अपने यहाँ भी इफको का जो है नैनो DAP डाल रहे हैं, और फिर आपको इफको का ही है नैनो यूरिया डाल रहे हैं जी जी, और फिर आपको एक सागरिका है वो डाल रहे हैं। अच्छा, आपने इस खेत में क्या क्या दिया है, मतलब तैयारी से लेके अभी तक आपका? मैं तो इस बार इसी टेक्नोलॉजी के भरोसे था जी जी, और जब टाइम आया है इसका जी, तो अभी तक हमने किसी भी प्रकार का खाद इसमें नहीं डाला है जी जी। सिर्फ मूंग की खेती हम लोग किए थे, मूंग को सड़ा करके और उसके बाद हम लोगों ने धान रोप दिया था जी जी। और पहला बार हम इसमें DAP डाल रहे हैं, आपके यूरिया, मतलब यूरिया डाल रहे हैं, नैनो यूरिया, और ये विटामिन है, कुछ मतलब पेस्टिसाइड भी है जो कीड़ा उड़ा के मरने के लिए यूजो है जी जी, ये सबको डाल रहे हैं जी। अब इसका देखेगा यहाँ के लोग रिजल्ट जी जी, इसीलिए हम रोक के रखे थे। अगर हम इसमें DAP डाले होते, यूरिया डाले होते तो किसान को लगता कि भाई हम लोग तो पहले वाला एक चीज है जी जी, लेकिन इसको एकदम रखे थे साफ करके कि यही डालेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं इफको को और खास करके टेक्नोग्रॉन को, नहीं इन लोगों ने हमें उत्साहित किया और हम भी इस टेक्नोलॉजी से बहुत दिन से जुड़ना चाह रहे थे जी। ये मौका हमको इफको ने दिया, इसलिए सर एक मिनट, ये आप देख रहे हैं ये खेत है जी, और ये करीब 35 से 40 दिन के अवस्था में गुजर रही है। खेत में अगर पोषक तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कमी नहीं दिख रही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मूंग की पलटाई के बाद इसकी रोपा की थी, इसकी टिल्डिंग भी काफी अच्छी है, बस इन्होंने DAP का प्रयोग नहीं किया था। और अब हम लोग इसको नैनो DAP से प्रयोग कर रहे हैं और साथ में हम यूरिया भी दे रहे हैं 35 दिन के बाद। और जरा आपको बता दें कि इसका रिजल्ट आपको कम से कम 48 घंटे के बाद निश्चित रूप से दिखेगा।
आपको सहयोग के लिए, रिजल्ट का मतलब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान साथी इसके रिजल्ट का ये करेंगे, और जैसे हमको रिजल्ट नजर आया जी, कि मैं इसका फिर से एक वीडियो बना कर